क्योंकि देखो आज मैंने एक और एक पोस्ट डाला था यू नो you know, अपने टेलीग्राम चैनल पे कि देखो आज क्या हो रहा था पिछले कुछ दिनों से क्या हो रहा था कि एक गैप अप हो रहा था और इमीजिएटली एक सेल ऑफ आ रहा था ठीक है गैप अप हो रहा था इमीजिएटली सेल ऑफ आ रहा था ठीक है यहां पे भी देखो अगर गैप अप हो रहा था इमीजिएटली सेल ऑफ आ रहा था बट आज मैंने एक चीज डिफरेंस देखा जो मैंने यू you नो know, आप लोग को भी बोला था कि आज ब्लाइंडली शॉर्ट मत करना रीजन बीइंग आज के गैप अप में डिफरेंस है डिफरेंस ये है कि आज का गैप अप में पहली बात हमारे नजदीक में ही सपोर्ट है वॉट इज दपोर्ट एटीन थाउजेंड सिक्स जो ये लेवल था जहां मार्केट ने काफी ज्यादा टाइम स्पेंड किया था ठीक है तो यहाँ पे एक नजदीक में सपोर्ट है और प्राइस इज नॉट ब्रेकिंग पिछली बार क्या हो रहा था बहुत दिनों से क्या हो रहा था गैप अप हो रहा था और ये गैप फिल हो रहा था बट आज ऐसे नहीं हुआ आज सेकंड कैंडल देखो बहुत अच्छा सपोर्ट लेके ऊपर गया मार्केट ओके okay? तो यहां पे क्या हो रहा है यहाँ पे कंसोलिडेशन हो रहा था एंड हमने यहाँ पे आई थिंक अराउंड आई डोंट नो टेन चाहिए तो मैं स्क्रीन शॉट डाल दूंगा आई डोंट रिम्बर ना आई थिंक टेन एम के अराउंड हमने बोल दिया था कि देखो वी आर एक्सपेक्टिंग द प्राइज एक्शन इज सेटिंग फॉर एन अपसाइड ब्रेकआउट ओके बहुत पेशेंस टेस्ट किया हमने एटीन थाउजेंड फाइव फिफ्टी सी आज हमने ट्रेड किया था ओके अराउंड वन ट्वेंटी कुछ वो आई थिंक लास्ट में जाके वन सिक्सटी टू जो हमारा टारगेट था वो हिट हुआ ओके सो इट वॉज अ वेरी पेशेंस टेस्टिंग डे ओके बट अल्टीमेटली यू नो वी गॉट रिवॉर्डेड फॉर दैट आर एनालिसिस वेंट राइट बेसिकली और कुछ नहीं बोल सकते सो इट्स लाइक यू नो ये पूरे जून महीने में आई थिंक आर एनालिसिस इज गॉन राइट ओके सो अभी वो दिन भी दूर नहीं जब आपका यू you नो know, हमारा एनालिसिस रॉन्ग जाएगा क्योंकि इट्स नॉट नेसेसरी दैट यू नो एवरी डे मार्केट विल रिस्पेक्ट आर एनालिसिस कभी तो लॉस होना ही है ठीक है तो ये हुई आज की बात मार्केट्स गेव अ गुड गैप अप एंड मार्केट्स सस्टेन दैट गैप अप एंड जब भी मैं बोलता हूं कि मार्केट जब रेजिस्टेंस पे रहता है और जब रेजिस्टेंस पे कंसोलिडेशन होता है मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स यू विल सी अ ब्रेकआउट रैदर देन अ ब्रेक डाउन ओके क्यों क्योंकि ये बहुत बार मार्केट ने ट्राई किया अप साइड जाने का ठीक है बट यहाँ पे अब फाइनली जब इतना अच्छा कंसोलिडेशन मिला है तो डू नॉट मिस दिस मूव और फाइनली हमारा साइडवेज मार्केट आज ट्रेंडिंग में हो गया ओके बैंक निफ्टी देखते हैं बैंक निफ्टी क्या क्या बैंक निफ्टी हमने सुबह ही बोल दिया था कि देखो बैंक निफ्टी हमारे लिए ट्रेडेबल नहीं है ठीक है बैंक निफ्टी बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि यू you नो know, कल आरबीआई पॉलिसी है टूमारोजी आर बी आई रेट हाइक पॉलिसी आई थिंक अराउंड टेन ए एम और समथिंग अनाउंसमेंट तो बहुत लोग बोल रहे कि यू you नो know, इसके वजह से मार्केट बैंक निफ्टी साइड था जब निफ्टी वन साइडेड मूव कर रहा था देखो दैट कुड बी द रीजन बट ये जो है ये दिस इज नॉट न्यू ठीक है पिछली बार भी अगर आप देखोगे पहले आई मीन यू नो इफ यू गो बैक हम लोग ने आई थिंक अप्रैल में कुछ बोला था कि जब से फिन निफ्टी का यू नो एक्सपायरी का इंट्रोडक्शन हुआ है बैंक निफ्टी थोड़ा उसका प्राइस एक्शन हमारे लिए वियर्ड हो गया ठीक तो है हम लोग बराबर नहीं ले पाते ट्रेड उसमें दैट इज़ अ रीजन वी प्रेफर ट्रेडिंग निफ्टी एंड दैट हैज बीन दी बेस्ट यू नो डिसीजन फॉर अस सो फार क्योंकि बैंक निफ्टी में काफी अच्छा मोमेंटम है और निफ्टी देखो पहले जैसे नाइन थाउजेंड टेन थाउजेंड इलेवन थाउजेंड तो रहा नहीं निफ्टी अभी एटीन थाउजेंड पर ट्रेड करता है तो निफ्टी में भी वोलेटिलिटी काफ़ी अच्छी रहती है ऑप्शन भी काफ़ी अच्छे मूव करते हैं ओके जस्ट अ रिमाइंडर बैंक so, निफ्टी में भी बैंक निफ्टी क्या हुआ बैंक निफ्टी नीचे नीचे खुला फिर ये जो ओपन इज इक्वल टू हाई कैंडल है मार्केट्स ने वहां पर सपोर्ट लिया तीन डोजी कैंडल बनाया फिर ऊपर गया फिर नीचे गया एंड फिर लास्ट में एक टू फिफ्टी के बाद एक रैली आई ओके तो बैंक निफ्टी कल के लिए काफी इंटरेस्टिंग है देखो अगर आपको ट्रेड करना है जैसे हम लोग बोलते हैं कि बैंक निफ्टी हम लोग यूजली प्रेफर करते हैं ट्रेड करना ऑन एक्सपायरी डेज डेट लेट्स स्टार्ट विद टूमारोज एनालिसिस बैंक निफ्टी स्पेसिफिकली बैंक निफ्टी देखो अभी एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग दिस वीडियो एसजीएस निफ्टी शोइंग में दट वो कुछ थर्टी फाइव पॉइंट पॉजिटिव है तो हम एक्सपेक्टिंग की हम लोग एक गैप अपले चलो थर्टी पॉइंट या ट्वेंटी पॉइंट पकड़ते अपन गैप अपे अगर गैप अपुल रहे नो डाउट फर्स्ट टारगेट हमारा क्या रहेगा फर्स्ट टारगेट हमेशा हमारा गैप फिलिंग रहता है क्योंकि यहाँ पर प्राइस एक ना एक बार तो होल्ड करेगा सो फोर्टी फोर थाउजेंड फोर थर्टी विल बी ऑर फर्स्ट टारगेट इसको मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूँ डॉटेड लाइन में तो आपको पता चल जाएगा ठीक है ये एक फर्स्ट टारगेट रहेगा हमारा अगर मार्केट ऊपर जाती है देन वी कैन एक्सपेक्ट फोर्टी फोर थाउजेंड फोर थर्टी टू कम ओके एंड वट विल बी द सपोर्ट नाउ फॉर मार्केट्स सपोर्ट अभी मेरे हिसाब से ये जो लेवल था जहाँ पे मार्केट्स ने काफी अच्छा टाइम स्पेंड किया था ओके okay? यही लेवल हमारा सपोर्ट का काम करेगा वट इज दैट सपोर्ट फोर्टी मतलब फोर्टी आप पकड़ के चलो इज टू बी अ वेरी गुड सपोर्ट फॉर बैंक निफ्टी ओके ये ये इतना कुछ अभी इंपॉर्टेंस है नहीं इसका इंपॉर्टेंस चला गया ओके सो फॉर्टी फोर थाउजेंड थ्री हंड्रेड इज गोइंग टू बी आर सपोर्ट फॉर टुमारो एंड फोर्टी फोर थाउजेंड फोर थर्टी इज गोइंग टू बी आर रेजिस्टेंस एंड इसके ऊपर तो फिर ऑल टाइम हाई ओके इसके ऊपर कुछ नहीं है इसके ऊपर स्काई है ओपन स्काईज है ओके सो लेट्स सी वॉट वी गेट ना निफ्टी में निफ्टी में नेक्स्ट रेजिस्टेंस अगर मेरे को देखना है तो मेरे को डेली कैंडल पर जाना पड़ेगा डेली कैंडल में नेक्स्ट रेजिस्टेंस जो इमीजिएट बन के आ रहा है वो कुछ इतना मीनिंगफुल है नहीं रेजिस्टेंस क्योंकि ठीक है इसको मैं माफ कर लेता हूँ ठीक है तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस जो बन के आ रहा है मेरे हिसाब से अगर मार्केट कल ऊपर खुलती है देन एटीन थाउजेंड पकड़ के चलो मतलब एटीन ही पकड़ लो कि यू नो इज गोइंग टू बी योर फर्स्ट रेजिस्टेंस फॉर टुमारो ओके एंड अगर इसके ऊपर गया तो इसके ऊपर देर इज डायरेक्टली ऑल टाइम हाईज नाउ एंड वी आर एक्सपेक्टिंग कि मे बी शायद एक ऑल टाइम हाई अब आ सकता है कब आएगा वी डू नॉट नो क्योंकि टुमारो इज आर बी आई पॉलिसी सो वी विल सी हाउ द प्राइज एक्शन इज गेटिंग बिल्ड

ट्वेंटी नाइन्थ में से इतना बड़ा कंसोलिडेशन चल रहा था वो फाइनली अब ब्रेक हो गया है तो प्राइस एक्शन का एक रूल है ठीक है हम लोग आपको पता रहेगा हमेशा अगर आप पुराने सब्सक्राइबर हो तो जितना बड़ा कंसोलिडेशन उतना बड़ा ब्रेकआउट ओके सो वी इतना अच्छा कंसोलिडेशन हो गया है बहुत सारे लोगों को यहाँ पे निकाल दिया है मार्केट ने और मार्केट जब यू नो रिमूवल ऑफ वीक हैंड्स होता है मार्केट में मार्केट टेंस टू गिव यू नो ट्रेंडिंग मूव्स ओके सो so, कल भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं ट्रेंडिंग मूव आप लेट्स सी क्या होता है अगर कुछ सरप्राइज आया यू नो आरबीआई रेट हाइक में आना तो नहीं चाहिए बट अगर कुछ सरप्राइज आया तो वी विल सी जो भी प्राइस एक्शन बन रहा है एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ऑफ कोर्स आई आल बी अपडेटिंग ऑन आर टेलीग्राम चैनल ओके बैंक निफ्टी ऑन दी अदर एंड बैंक निफ्टी इज अ बैंक निफ्टी के पास काफी अच्छा फ्री यू नो स्पेस है मूव करने के लिए बैंक निफ्टी में एक अच्छी रेंज बन सकती है कल एटलीस्ट फोर हंड्रेड पॉइंट्स का मूव तो कल बैंक निफ्टी दे सकता है ओके सो डू नॉट मिस ट्रेडिंग बैंक निफ्टी टुमारो, ठीक है बैंक निफ्टी कल शायद थोड़ा ट्रेडेबल हो सकता है ओके सो दैट इज इट फॉर द मार्केट व्यू फॉर टुडे गाइस नाउ आई थिंक मैं आप एक स्क्रीन डालता हूँ हमारे एक फॉलोअर ने सब्सक्राइबर ने एक्चुअली एक अच्छा आइडिया दिया है कि मेरा जो बायस जो मैं हमेशा बोलता हूँ कि मेरा बायस क्या रहेगा कल के लिए ओके सो आई विल बी पोस्टिंग माई बायस ठीक है उन्होंने बोला है कि यू you नो know, आप अपना बायस पोस्ट करो वीडियो अपलोड होने के बाद जब 300 हंड्रेड लाइक्स आएंगे या 300 हंड्रेड प्लस जो भी आपको नंबर रखना है उसके बाद आप अपना बायस पोस्ट करो पिंड कमेंट में तो मैं वही करूंगा अभी ठीक है इट्स अ वेरी गुड आइडिया मैं चीजें आप स्क्रीन शॉट डालता हूँ कि यू नो आई आल बी पोस्टिंग माई बायस जो मेरा बायस है जो कल क्या हो सकता है ठीक है आई विल पोस्टिंग इट इन द पिंड कमेंट पोस्ट दिस वीडियो गेट्स थ्री हंड्रेड लाइक्स ओके सो दैट इज इट फॉर द मार्केट वी फॉर टुडे गाइज आई होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो आई होप यू गाइज गॉट सेव्ड बाई नॉट शॉर्टिंग द मार्केट टुडे लीस्ट ओके सो इफ यू बिकॉज आर लाइकिंग द वीडियोज दैट आई एम अपलोडिंग एवरी डे प्लीज इट दैट लाइक बटन शेयर इट विद योर फ्रेंड्स This is me, Manu, signing off. Take care, guys, and please trade responsibly. Have a nice one. Bye.